हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बुंडी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लेसन नंबर 6 नेचुरल रीजन्स, पार्ट 3। देखो बच्चों, हमने पिछले पीरियड में दो रीजन का स्टडी किया था, टुंड्रा रीजन और तेगा रीजन। ओके, अभी नेक्स्ट रीजन है ग्रासलैंड स्टेप्स एंड प्रेरीज, मतलब घास के प्रदेश, ग्रासलैंड, स्टेप्स एवं प्रेरीज। ओके, अभी लोकेशन देखेंगे हम। बिटवीन 30 डिग्री एंड 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स, मतलब 30 डिग्री से 55 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच महाद्वीप के अंतर्गत भाग में ये प्रदेश है। और स्टेप्स यूरेशिया, वेल दक्षिण साउथ अफ्रीका, पंपास साउथ अमेरिका, और प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ओके, और नेक्स्ट है क्लाइमेट। यहाँ का समर टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और विंटर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में, विंटर में 0 डिग्री से भी कम तापमान यहाँ पे होता है। मीन एनुअल रेनफॉल 400 to 600 मिमी, मतलब वर्षा के समय 400 से 600 मिमी बारिश होती है यहाँ पे, और रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग समर्स, और वर्षा अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। ओके, अभी नेक्स्ट कॉलम है नेचुरल वेजिटेशन। ओके, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है यहाँ का, तो एक्सटेंसिव ग्रास रेंचेस आर सीन, मतलब घास के विस्तीर्ण चरागाह यहाँ पे दिखाई देते हैं। शॉर्ट ग्रासेस ग्रोइंग इन लम्स, मतलब घास लच्छों में और कम ऊंचाई तक बढ़ती है। ग्रास गेट्स ड्राइड अप इन विंटर, और शीतकाल में, विंटर में घास नष्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एल्डर, पॉपलर, ये वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। अभी एनिमल लाइफ कैसी है वहाँ पे, वहाँ की तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स डियर, हॉर्सेस, डॉग्स, वोल्व्स, बाइसन्स, रैबिट्स, हेयर्स, कांगारूज और नाइगॉन्स, मतलब हिरण, घोड़े, कुत्ते, भेड़िए, जंगली भैंसे, खरगोश, कंगारू, डिगो आदि प्राणी यहाँ पे होते हैं। और पालतू प्राणी कौन से हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, भेड़, बकरियाँ, गाय, बैल, घोड़े, गधे आदि होते हैं। और अभी यहाँ की ह्यूमन लाइफ, रियरिंग एनिमल्स इज द मेन ऑक्यूपेशन, मतलब पशुचारण व्यवसाय और पशुपालन। और अर्लियर पीपल हैड अ नोमैडिक लाइफ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं ये लोग। लिव इन हाई टेंट्स यर्ड्स, मतलब चमड़े के तंबू, टेंट में ये रहते हैं। किर्गिज पीपल आर नो मोर नोमैडिक, नाउ स्टे इन वेल बिल्ट हाउसेस, किर्गिज लोग अब यायावारी नहीं करते, वे पक्के मकानों में रहते हैं। और यहाँ पे ग्रो व्हीट, मतलब क्या, गेहूँ की कृषि करते हैं। आया समझ में। अभी नेक्स्ट रीजन देखेंगे हम,
टुंड्रा रीजन देखा, टाइगर रीजन देखा, ग्रासलैंड, और नेक्स्ट है हॉट डेजर्ट रीजन मतलब उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ओके अभी यहाँ का लोकेशन और एक्सटेंट देखेंगे हम। बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स मतलब ऋषुर उत्तर रेखा से 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच है ये। इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट सहारा नॉर्थ अफ्रीका और कोलोरेडो नॉर्थ अमेरिका और अटाकामा साउथ अमेरिका एंड कालाहरी साउथ अफ्रीका और थार एशिया एक्सेट्रा। ओके और क्लाइमेट यहाँ का, एक मिनट कहाँ पे आ गए हम, हाँ क्लाइमेट यहाँ का हॉट डेजर्ट रीजन देख रहे थे हम। मीन समर टेम्परेचर्स 30 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस। ओके ग्रीष्मकाल में औसतन तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन विंटर टेम्परेचर 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस मतलब शीतकाल में 20 डिग्री से 25 से होता है डिग्री से होता है। और ट्रिमेंडस हीट एंड वेरी लो रेनफॉल मतलब अत्यधिक गर्मी एवं अत्यल्प वर्षा होती है यहाँ पे। और नाइट्स आर वेरी कोल्ड मतलब रात्रि में ठंड अधिक होती है। ओके आया आपको समझ में? अभी नेचुरल वेजिटेशन में देखेंगे। अभी 4 नंबर का है हमारा। एक दो तीन चार। ओके टॉल एंड थिक ग्रास, एक मिनट अभी वनस्पति देखेंगे हम। कम से कम पत्ते और कटीली वनस्पति होती है। 4 नंबर का देख रहे हैं ना हम, 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे आए हम। थॉर्नी बुशेस विथ हार्डली एनी लीव्स मतलब कम से कम पत्ते और कटीली वनस्पति होती है यहाँ पे। लीव्स आर नैरो ऑयली हैव थिक बार्क मतलब मोटे छिलके संकरे एवं चिकने पत्ते होते हैं। और वंस मॉइस्चर इन सॉइल इज कंज्यूम प्लांट्स डाई मतलब भूमि का गीलापन समाप्त होते ही वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है। एग्जाम्पल्स कैक्टस सिसल पाम और डेट पाम एक्सेट्रा मतलब भूमि का गीलापन समाप्त होते ही वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है जैसे कैक्टस रामबॉस पाम खजूर आदि। ओके अभी यहाँ के एनिमल कैसे है वो देखेंगे हम। ओके कैमल्स सर्वाइव 4 डेज विदाउट वाटर ऊंट भोजन वो पानी के बिना भी बहुत दिनों तक रह सकता है। नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ग्राउंड इज लेस मतलब भूमि पर प्राणियों की संख्या कम होती है। डे टाइम लिव इनसाइड द ग्राउंड मतलब भूमि पर प्राणियों की संख्या कम होती है और प्राणी दिन भर ज़मीन के नीचे रहते हैं। ओके फॉर एग्जांपल ये स्नेक्स रैट्स लिजार्ड और स्कॉर्पियंस मतलब सांप चूहे गिरगिट बिच्छू आदि। ओके और डोमेस्टिक एनिमल्स ये लाइक हॉर्स डोंकी शीप्स ऑक्सेन एक्सेट्रा मतलब घोड़े बैल गधे भेड़ एवं अन्य पालतू प्राणी यहाँ पे रहते हैं।
अभी यहाँ का मानवीय जीवन। बेडियन सहारा बुशमैन कलहरी और एबोरिजियन ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट ऑफ द नीड्स गेट फुलफिल्ड थ्रू एनिमल्स एग्रीकल्चर इज कन्फाइंड टू रिवर वैली एंड ओशन। मतलब अनेक आवश्यकताएं पशुओं से ही पूर्ण की जाती है और मरुद्यानों को और नदी घाटियों में कृषि की जाती है एग्रीकल्चर। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।